वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बोलो, सब अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलो, लाइक लगा के अटेंडेंस लगा दो भाई, खत्म करो, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, बी क्विक, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, कम ऑन फास्ट। आज ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, आज ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया इसीलिए। हो चलो आ गए सारे। अरे लाइक्स नहीं किए तुम लोगों ने, लाइक नहीं किया चैनल को, लाइक नहीं किया वीडियो को। कैसे होगा बोलो, बोलो ना जल्दी, बोलते क्यों नहीं? वेरी फनी, हाँ हाँ सच्ची। अरे मिंटू झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। तबीयत बहुत हद तक ठीक है बेटे, ठीक ही कहेंगे अभी, क्या है। चलो 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 चलो, अरे शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, जगाओ अपने दोस्तों को, बोलो कहाँ है, उठो सर आ गए हैं, उठो जल्दी आ जाओ। अरे वाह, चलो लेट अस बिगिन देन। सही बात है, सही बात है मिंटू, सही बात है, सही बात है। सुबह 4 बजे लेक्चर लिया करूँगा, सुबह 4 बजे लूँगा लेक्चर, चिंता मत करो। एग्ज़ाम्स को आने तो रात भर जगाऊँगा, पूरी रात जगाऊँगा। हैं चलो आ जाओ कल वाले पार्ट पे जो हमने आधा छोड़ दिया था। हम लोग अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग समझ रहे थे कि अकाउंटिंग को एंट्रीज को रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं सर। हाँ सही बात है सर। अब ये दो एस्पेक्ट जब हम रिकॉर्ड करते हैं सर, जब हम ये दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो आप हमें बताइए क्या
क्या सुनने को आ रहा है सर आपका बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं रे, नॉट माई बर्थडे, माई बर्थडे इज ऑन 31st December, मेरा बर्थडे रहता है 31st December को, आज नहीं है मेरा बर्थडे। अरे आज सैटरडे ना बाबा, तो सैटरडे में कैजुअल चलता है, मंडे टू फ्राइडे फॉर्मल्स में रहते हैं, हमारा रूल है ये। चलो संडे को तो छुट्टी होती है तो फिर घर पे रहते हैं, तो ये मत पूछना संडे को क्या पहनते हो सर, है ना, बिल्कुल भी ये सवाल मत करना। चलो हाँ, एक फिर हैप्पी बर्थडे। चलो आ जाओ आ जाओ, लेक्चर पे आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इस वाले पार्ट पे थे हम। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। भाई लाइक नहीं कर रहे सब लोग, आ रहे लेक्चर देखने लाइक नहीं कर रहे, यहाँ पे छू जाती है बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखूंगा मैं, यहाँ पे छू जाएगी। हाँ मैच का पेड़ है क्या? नहीं रे, वो भी फ्री है, मैच वाला भी फ्री है बेटे, सब फ्री है अपने यहाँ पर। सैटरडे यार, विट्रा विट्रा विटार जो भी नाम है आपका, सैटरडे ना यार, जैसे क्या कर रहे हो ये, लाइक्स नहीं कर रहे यार, तुम लोग लाइक करो ना वीडियो को। हाँ भाई सैटरडे है आज। चलो लेट अस बिगिन। सबसे पहला अकाउंट, दो मिनट रुको, कैश और बैंक बराबर है। कैश क्या है? कैश, कैश है सर एसेट। बैंक क्या है? बैंक एसेट। तो हमने जब कैश विड्रॉ किया तो कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज, तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, सिंपल। चलो बाकी के जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट। अगला अकाउंट, अगला है ड्रॉइंग्स एंड बैंक। ड्रॉइंग्स आपका कैपिटल है, बैंक आपका एसेट है। तो देखो ड्रॉइंग करने से आपका कैपिटल कम होता है, और जब कैपिटल कम होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और एसेट जब कम होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, सिंपल। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? अगला कैश और भीमसेन बराबर है। तो ये देखो यहां पर भीमसेन की अगर हम बात करें, कहां गया भीमसेन? हाँ यही वाला बताना था आपको कल मुझे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर भीमसेन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर भीमसेन। भीमसेन से हमें चेक मिला है बराबर है ना, भीमसेन से हमें चेक मिला है। तो यहां पर बात ध्यान से समझेंगे, भीमसेन हमारे लिए यहां पर, एक मिनट, भीमसेन चेक साम भैया भाई चेक, हाँ ठीक है यही वाला है बराबर। भीमसेन से जो हमें चेक मिला, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, ये ट्रांजेक्शन हमको ध्यान से समझना है, ये ट्रांजेक्शन हमें ध्यान से समझना है, सुनो ध्यान से। भीमसेन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ अब नहीं हो रही है ना बफर एर। हाँ हाँ बेटे वंशिका, हम चेक इन हैंड लिख सकते हैं बराबर है,
तो अपने अपने अकाउंटिंग का तरीका है, कोई चेक इन हैंड लिखता है, कोई कैश लिखता है, ये अपने अपने अकाउंटिंग का तरीका है। अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके हैं अपने पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। बट बुक्स में अपने कैश मेंशनड है, इसीलिए हम कैश ही ये अकाउंट यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, भीमसेन जो है, कैश तो आपका एसेट है, हाँ सर एसेट है। सर भीमसेन हमारा कस्टमर हुआ, तो कस्टमर हुआ तो वो तो एसेट होगा, हाँ सही बात है। बट ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से सुनो, अगर आपका कस्टमर है जिससे पैसा आना बाकी है, वो आपका एसेट हुआ। बट ध्यान से समझो, जो आपका कस्टमर है जिसने आपको एडवांस में पैसा दिया है, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। जब कस्टमर आपको एडवांस में पैसा देता है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई बेटे, क्या हो गई? लाइबिलिटी। सेम वेज अगर आपका सप्लायर है, यहां पे लिखो एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी, ठीक है। सप्लायर है और उसको पैसे देने बाकी है, आपने सामान खरीद लिया, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। बट अगर हमने उसे एडवांस में पैसा दिया है, तो वो हमारे लिए एसेट है। लिखो जी जी, गुरु जी का ज्ञान, ऊपर टॉप मार्जिन में लिखेंगे। लिखो सब लोग, ये लिखो ना जल्दी, ढोक लो। डन, यहाँ तक डन। तो यहाँ पर हमारा जो कस्टमर भीमसेन है, यहाँ पर भीमसेन हमारे लिए बन जाता है लाइबिलिटी, क्योंकि उसे एडवांस में पैसा आया है और हमें उसे गुड्स देना बाकी है। अच्छा, तो जो भी देना बाकी है वो क्या है? वो लाइबिलिटी। जो भी देना बाकी है वो क्या है? लाइबिलिटी है, सिंपल एज दैट। क्लियर यहाँ तक सबको? अच्छा जी जी, दिमाग में लिख लिया है। दिमाग में ही लिखना होता तो जी जी नहीं लिखवाता पगले। हाँ, तो यहां पर देखो, पैसा आया है, एसेट बड़ा है, इसीलिए डेबिट। और दूसरी तरफ अब उसको गुड्स देने बाकी है, तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई है, इसीलिए क्रेडिट। सिंपल, यहां तक सिंपल। आगे बढ़ रहा हूं मैं। डिपॉजिटेड भीमसेन चेक ऑन द नेक्स्ट डे, अगेन बैंक एंड कैश, इट इज जस्ट लाइक योर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एसेट एसेट, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। सिंपल, डन। आगे बढ़ते हैं। भीमसेन बैंक, अगेन भीमसेन, अगेन आपकी लाइबिलिटी है, बैंक आपका एसेट है। सर यहां पर चेक बाउंस हो गया, सर चेक कैंसिल हो गया, हाँ बराबर है, तो उसका पैसा वापस चला गया। अब उसका पैसा वापस चला गया तो हमें गुड्स देने की जरूरत है क्या? नहीं, तो मतलब लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, यहां पे आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, इसीलिए डेबिट। और दूसरी तरफ आपका बैंक में पैसा जो था, क्या कहते हैं, बैंक से पैसा भी चला गया, एसेट कम हो गया, तो वो हो गया क्रेडिट। एसेट कम होने से क्रेडिट। क्लियर? Why? Justly in core, अभी मैंने
आंसर थोड़ी देर पहले दिया बेटा, चेक इन हैंड का। सांबैया एंड बैंक, देखो यहां पर पेड सांबैया बाय चेक, सांबैया को हमने पैसा दे दिया। बराबर है, क्लियर यहां तक? तो सांबैया ध्यान से सुनो, यहां पर सांबैया हमारा क्रेडिटर है और हमने उसे एडवांस में पैसा दिया है, तो ये हमारा एसेट हुआ, तो एसेट बढ़ गया, इसीलिए डेबिट। दूसरी तरफ बैंक भी एसेट है बट हमने उसे पैसे दे दिए, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर? ओ जहांगीर, इनको उनको अकाउंट्स मत पढ़ाओ, यहां पर ध्यान दो, दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में अपना कंसेप्ट रह जाएगा। सैलरी कैश, देखो सैलरी आपका एक्सपेंस है, कैश आपका एसेट है। सैलरी होने से खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट पे कर दिया, एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, अगेन रेंट बैंक, ठीक है, रेंट इज योर एक्सपेंस, बैंक इज योर एसेट, रेंट का खर्चा हो गया इंक्रीज इसीलिए डेबिट, बैंक से पैसा चला गया डिक्रीज इसीलिए क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। डन, अरे डन, आ जाओ यहां पे फिर से, ड्रॉइंग्स परचेज, ड्रॉइंग्स कैपिटल है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट, परचेज एक्सपेंस है, हमारा यहां पर खर्चा कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट। खर्चा कम कैसे हुआ सर? यहां पर मैंने कहा था ना आपको कल भी, जब सोल प्रोप्रेटर फाइनल अकाउंट जब पढ़ाऊंगा तब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। यस, आ जाओ, नारायण कैश, नारायण अगेन हमारे सप्लायर ऑफ गुड्स है, अच्छा नारायण सप्लायर ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है, हमने उनको पैसे दे दिए, ओके सप्लायर को पैसे दे दिए सर, पेड एंड एडवांस टू नारायण, नारायण अब हमारे लिए क्या हो गए, सप्लायर है बट फिर भी हम उसको बोलेंगे एसेट, ये है रियल अकाउंट। एसेट बढ़ गया, कैश कम हो गया, ये डेबिट ये क्रेडिट। पेड एंड एडवांस टू नारायण लिखा है ना बेटे यहां पर, मौर्य, वेरी गुड, कैश एंड सोमनाथ, अरे यहां पे गलती से रियल लिख दिया मैंने, एसेट कैश अगेन एसेट, यहां पर कस्टमर को एडवांस दिया है, कस्टमर को एडवांस दिया है, कस्टमर को एडवांस दिया है तो कस्टमर हमारे इस बार बन गए लायबिलिटी।
बराबर। तो कस्टमर से पैसा आया कैश, इंक्रीज लाइबिलिटी, इंक्रीज ये डेबिट ये क्रेडिट, खत्म। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन कैश, ये नॉमिनल था ना, यहां पर इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, इसको हम बोलेंगे एसेट, ठीक है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, एसेट कम हुआ क्रेडिट। क्लियर? नंदीश लोन अकाउंट, नंदीश लोन जो है हमारी लाइबिलिटी है, कैश जो है हमारा एसेट है। लाइबिलिटी पैसे लौटा दिए हमने तो लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट भी कम हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई, बैंक बैलेंस बढ़ने से एसेट बढ़ गया डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव होने से इनकम बढ़ गई क्रेडिट। बोलो डन। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? लास्ट वाला इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक वाला, तो बैंक अकाउंट देखो ना, बैंक अकाउंट पर्सनल है, इंटरेस्ट मिला है बैंक में तो बैंक के पास इंटरेस्ट जमा हुआ है, बराबर है। बैंक के पास इंटरेस्ट जमा हुआ तो बैंक हुआ रिसीवर और इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए हुई इनकम। क्लियर? आर वाला, सांबैया, देखो सांबैया पेड़ सांबैया बाई चेक, सांबैया को हमने पैसा दे दिया, सांबैया को पहले हमने कुछ ट्रांसफर किया था क्या? नहीं। अरे तो शाम भैया को हमने पैसा दिया ना, शाम भैया को पैसा दिया तो शाम भैया क्या हुआ? एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ? क्योंकि हमने उसको पैसा बिना वजह दिया है, उसको हमने पैसा दे दिया, उससे कुछ आना बाकी है, इसीलिए वो एसेट है, इसीलिए वो एसेट है। शाम भैया को हमने क्या किया है? पैसे दे दिए है तो उससे या तो गुड्स आने बाकी है या कोई काम आना बाकी है, हमने पैसा उसको एडवांस में दे दिया इसलिए वो हमारा एसेट है। हाँ हाँ, तो गरिमा उपाध्याय चिंता मत, सुनो ना, सांबैया को हमने पैसा दे दिया। देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसा दे दिया बट आपसे कुछ ना कुछ गुड्स आने बाकी होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, बराबर है। इसके पहले कहीं पर भी सांबैया का जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो पहला पर्सन है जिसको हमने पेमेंट कर दिया, इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इट इज अज्यूम्ड
क्या हमने उसको पैसा दिया है, क्यों दिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, पहले का ड्यू भी तो हो सकता है ना सर, बट वो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन्ड नहीं है ना बेटा, इसीलिए क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए क्लियर। अब बोलो किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़े। हाँ पहले का ड्यू पे क्या होगा तब भी यही एंट्री आएगी। चलो कल नहीं, कल नहीं बेटा, कल संडे है, कल लेक्चर नहीं होगा, तुमको भी ब्रेक मुझे भी ब्रेक। ठीक है आ जाओ। आपका मेरा अपना सबका फेवरेट जर्नल, सोमिल सर ने अनब्लॉक कर दिया, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया हो गया सोहन, मुझे भी देखना एक्चुअली प्रोसेस, मेरे पास क्या ना ईमेल आईडी नहीं था, मंडे से आ जाएगा। देखो कैसा है मैं समझाता हूँ आपको, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हाँ हाँ मैथ्स की क्लास होगी ना, क्यों नहीं होगी, सर ने कहा है कैसे मैथ्स की क्लास के बारे में, अगर कहा नहीं है तो फिर होगा लेक्चर। अरे तीसरे ग्रुप में लिंक नहीं आया है क्या, ए यार इंटरनेट अलग ही इशू देता है। आज नहीं बोला है लेक्चर, सर ने बोला होगा कल के लेक्चर में, फिर आज होगा या नहीं होगा। कल लेक्चर में बोला होगा ना सर ने, अच्छा हाँ पीडीएफ आज भेज देता हूँ मैं, ये वाला और वो वाला दोनों पीडीएफ भेज दूंगा, चिंता मत करो।
पर्पल आर्मी नो इश्यूज चलेगा, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप पहले के भी देख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैच की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी मुझे लगता है, इसीलिए ना बोला बार बार, अगर सर क्लास लेना ही बंद कर देंगे तो। अरे अरे ऐसी मत बात है, ऐसा नहीं होगा यार। गुड मॉर्निंग हर्ष, नमस्ते प्रिंस। अच्छा मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से ना वो थर्ड वाले ग्रुप में आया नहीं, वो क्या कहते हैं आपका लिंक। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैं बोलूँ आज बच्चे इतने कम क्यों दिख रहे हैं, रोज़ वाले अपने कुछ कुछ दिख नहीं रहे। हाँ चलो चलो, जो अभी आए हैं लाइक करो फटाफट। अच्छा गरिमा उपाध्याय लगे, गरिमा अग्रवाल लगे। आपस में लड़ना बंद करो, टॉपिक पे आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। पाऊस आहे का? अरे भयंकर पाऊस आहे, सकाळी येताना भिजलोय मी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा संस्कार, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आप तो। मैं शुभ सकाळ शुभ सकाळ शुभ सकाळ, मैं बात करता हूँ, देखते आज। चलो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, भले हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, इसके ऊपर तीन अलग अलग चैप्टर्स थे हमको, बट अभी ये मैंने एक ही एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तीनों कवर कर लेंगे, ठीक है ना। नोट्स आज आ जाएंगे बेटे, ठीक है आ जाओ। जर्नल, जर्नल, द वर्ड जर्नल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स अ डे, देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड, जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड हेंस इट हैज वी नेम सो एज सून एज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट्स डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर करंट। डन डन, जर्नल समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? अपनी भाषा में समझते जर्नल क्या है भाई साहब। देखो जर्नल ये जो वर्ड आया ना, इसके पीछे ये शब्द है जिसका ना मतलब होता है डेली। जोर का मतलब क्या है? डेली। डेली यानी के अब देखो हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय उसमें डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या कहा मैंने? उसमें डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इन डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग डेली और डे टू डे बेसिस इज कॉल्ड एज जर्नल। इज कॉल्ड एज व्हाट? जर्नल। डेली रिकॉर्डिंग डेली ऑन डे टू डे बेसिस इज कॉल्ड एज जर्नल। बोलो समझ में आया है तक? ठीक है, जोर, इसीलिए जर्नल बोला। जर्नल का दूसरा नाम प्राइमरी बुक्स, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ वर्जिनल एंट्री। क्लियर? क्लियर सबको यहां तक? बुलाया ना? देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैंच जब चैप्टर खत्म होगा ना,
तब कुछ गिने चुने जर्नल एंट्रीज में आपको बताऊंगा, गिने चुने जर्नल एंट्रीज, वो तीन चार जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर ही आपका पूरा अकाउंट्स बेस्ड है, सच्ची कसम से। उन्हीं एंट्रीज को मॉडिफाई कर करके मैं आपको बताऊंगा नई नई एंट्रीज कैसे बनती है। हाँ आ जाओ, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको कमेंट्स अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे लेक्चर के बाद, प्यारे प्यारे कमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी बताऊंगा मैं वो शॉर्टकट, वो जर्नल एंट्रीज जीवन भर याद रखने का तरीका। ठीक है, जर्नल यहाँ तक क्लियर सबको, प्राइमरी बुक्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आपने फ्रेश पेज पर आके नया डेट लिखना है, आज का डेट लिख के आज का टॉपिक का नाम लिखना है, आज के टॉपिक का नाम लिखना है। अरे चांद सही नहीं, डालता हूं ना नोट, रोते क्यों हो, दे रहा हूं ना, तीन बार बोल चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पे। क्लियर, चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर सबको, ये सबको, सबने टॉपिक का नाम लिख लिया, डेट लिख लिया आज का, जीजी लिख लो पहले फटाफट, ये जीजी लिखो पहले फटाफट सब। चलो डन, लिखा सबने, अरे नहीं नहीं लिखना नहीं है चांद, मैं जब बोलूंगा तब लिखना है। ओके चलो, यस कम ऑन, कमिंग बैक टू द टॉपिक जर्नल। अब सर देखो, हमने क्या देखा था, जब हमने देखा था ना ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के, हमको याद नहीं रहती ये चीजें, हम याद नहीं रख सकते इतने सारे ट्रांजेक्शन, इसलिए जर्नल आए, जैसे ट्रांजेक्शन करते हो उसको रिकॉर्ड करो, जैसे ट्रांजेक्शन होगा उसे रिकॉर्ड करो, जैसे ट्रांजेक्शन होगा उसे रिकॉर्ड करो, इसलिए जॉर डेली डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, तब के तब रिकॉर्ड करना, इज कॉल्ड एज जर्नल। यहां तक क्लियर सबको, यस। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल, जर्नल इज एन इंपॉर्टेंट बुक इन बुक कीपिंग, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप जर्नल, द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी आज फॉलोज। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल, ये हमको नोटबुक में लिखना है, ये हमको नोटबुक में लिखना है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एन बी, इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पांच मार्क का एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है, वो यही होगा, अगर इस टॉपिक में से आना है तो ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर, आ जाओ, दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, क्या कहा, प्रिंसिपल बुक, प्राइमरी बुक, ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, जर्नल हैज डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जर्नल सब्सिडी बुक इन विच ऑल डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक मिनट, ये जर्नल इज इट नहीं है, ये जर्नल इज सब्सिडी बुक इन विच ऑल दी डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म, अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड, नरेशन प्रोवाइड्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स, arithmetical accuracy and preparation of final accounts, simple, clear, कितने points है, 9 points, हमें कितने points याद रखने, 6 points, 6 points हमें याद रखने हैं इसमें। देखो principal book है एक, necessary information देगा दो, date wise record है और chronological record है, ठीक है, इसका अपना एक procedure है, इसको एक narration दिया जाता है, arithmetical accuracy, final accounts और find prevent errors, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक rectification of errors है, इसीलिए समझ में आया, basics के बाद जो अगला टॉपिक जाएंगे हम वो है errors।
क्लियर। आ जाओ, अगर हम देखेंगे जर्नल का फॉर्मेट, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। यहां पर डेबिट के अमाउंट्स आएंगे, यहां पर क्रेडिट वाले अमाउंट्स आएंगे इस डेबिट के सामने और ये अकाउंट के सामने, ठीक है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। व्हाट डू यू मीन बाय फोलियो? फोलियो इज अ पेज नंबर। फोलियो का मतलब क्या? पेज नंबर, मतलब लेजर का पेज नंबर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी को समझो, क्रोनोलॉजी को समझो। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक जो होता है उसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। मतलब अगर मैं पूछूं आपको, चलो आपकी दिनचर्या मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, आप उठेंगे, हम बोलेंगे सर मैं पहले उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं लेक्चर करता हूँ, फिर मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। दिस इज अ क्रोनोलॉजी, ऐसे। क्लियर? बढ़िया। नाउ स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। देखो ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स आपको पता है, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, कैसे जाने अनजाने में, जाने अनजाने में हमने पिछले जो लेक्चर था, कल आज का जो लेक्चर था एंड वाला, इसके पहले वाला और कल का जो लेक्चर था उसमें हमने कर लिए जर्नलाइजिंग के स्टेप्स। हाँ हाँ सर, क्रोनोलॉजी को सीक्वेंस भी बोल सकते, सही बात है। हाय सर, गुड मॉर्निंग आयुष, खुद को ही गुड मॉर्निंग बोल रहे हो क्या? बोलो यहां तक क्लियर सबको, बोलो क्लियर। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहां पे दो प्रकार की एंट्री बताई है मैंने, एक सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। व्हाट इज सिंपल एंट्री? व्हेन अ सिंगल अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल एंट्री। मतलब सर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कैश परचेस, कैश परचेस हम कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं सर? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेस है मिस्टर ए से 1000 रुपए का, कितने का? 1000 रुपए का। तो पहले हम एंट्री क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा इज्जत देके बोलेंगे मिस्टर ए, कितना सर? 1000 1000, बराबर। ये कौन सी एंट्री है? ये सिंपल जर्नल एंट्री बेटे, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हुआ है, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बराबर है। अब मान के चलते हैं कि हमने मिस्टर ए ने पे किए 950 इन फुल सेटलमेंट। कितने पे किए? 950 पे किए फुल सेटलमेंट। नहीं, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ना, स्टेप्स लिखना है तो आप लिख सकते हो। जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तब आपको अगर लिखना चाहिए, आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं एंट्री करूं तो मैं कहूंगा मिस्टर ए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 1000, उनसे पैसे कितने आने? 1000, बराबर। बट पेड लिख दिया मैंने, यहां पे उल्टा लिखना था, पेड टू मिस्टर ए 915 फुल सेटलमेंट। टू मिस्टर ए को हमने पैसे दे दिए टू कैश, सर हमने कितना पैसा दिया? 950। तो मतलब बाकी का हमें क्या मिला? डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड 50। क्लियर? क्लियर?
चलो बढ़िया। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है बट दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी कस्टमर से पैसा आ रहा है, किसी कस्टमर से पैसा आ रहा है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो एक अकाउंट डेबिट, दो अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। तो जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट है वो। समझ में आया सबको? कंपाउंड जनरल एंट्री, बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। अब सर लेजर वेजर का नहीं बता रहे आप, रुको तो एक एक चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आ जाओ यहां पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन या तो आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करके ही दूंगा, तो बेटर रहेगा आप नोटबुक में कॉपी कर लेना। ठीक है, फ्रेश पेज पे जाओ, वहां पर ये क्वेश्चन हम लिख लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। और एक क्वेश्चन लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनके हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सर खत्म भी हो गया टॉपिक? अरे जर्नल खत्म हुआ, लेजर बाकी है, ट्रायल बैलेंस बाकी है। तो हम क्या करेंगे, नोटबुक में जाओ। अब मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोटबुक, दिस इज योर नोटबुक का पेज। ठीक है, दिस इज योर नोटबुक का पेज। ये आपका रेड मार्जिन, बराबर। तो ध्यान से सुनो, जब आप फॉर्मेट बनाएंगे, जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट के लिए बेटा एकदम है ना, यहाँ पे छोटा सा डेट का कॉलम बनेगा। पहले दो लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, टू लाइन ब्लैंक, और इसके बाद यहाँ पर हम छोटा सा डेट का कॉलम बनाएंगे। आप पहली लाइन ये ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है, जनरल फॉर्मेट देख लेना ध्यान से। इसके बाद दूसरी लाइन आप कौन सी ड्रॉ करोगे, ये वाली दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, जो कौन सा थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होगा। ये देखो ये लाइन को कैसे ड्रॉ करना है पता है क्या, जो पीछे आपका रेड मार्जिन दिखता है ना, हल्का सा रेड मार्जिन दिखेगा, देखो आपको एक हल्का सा यहाँ पर रेड मार्जिन दिखेगा, पीछे का प्रिंट आता है उसके ऊपर ही आपको ड्रॉ करना है। क्रेडिट का कॉलम बन गया आपका। अप्रोक्सीमेटली उतने ही साइज का एक और डेबिट का कॉलम बनाएंगे हम, और बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नन्ना सा, बिल्कुल प्यारा सा, ऐसे छोटा सा एलएफ का कॉलम बनाएंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। खत्म, इतना ही आपका जर्नल का फॉर्मेट बनना चाहिए। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला डेट वाला कॉलम का लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरा लाइन ये रहेगा, ये तीसरा लाइन रहेगा और ये चौथा लाइन रहेगा। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, बहुत बार बच्चा जजमेंट नहीं आता है बच्चों को, तो बच्चे का जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है, ये पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ऐसा बनता है। तो पर्टिकुलर्स में ज्यादा लिखना होता है बेटे अपने को, तो हम लिख नहीं पाते, वहां पे खिचड़ी हो जाती, गंदा लगता है। ऐसे भी कुछ कुछ है, ठीक है, क्लियर? पहले फॉर्मेट अच्छे से बनाओ और फिर मुझे बताओ। मार्जिन मत यूज करो बेटे, क्योंकि एग्जाम में हमें मार्जिन यूज करना अलाउड नहीं है ना, इसीलिए मैं लगाता हूं बच्चों को, जनरली आदत लगाता हूं कि आप मार्जिन मत यूज करो। आज तक समझ नहीं आया एलएफ का काम क्या है, चिंता मत करो, मेरे से क्लास करो तो एलएफ का काम समझा दूंगा क्या है। आज चिकन डे है तो भरत जा दो घर पे, मेरे एक आधा किलो चिकन भिजवा देना फ्राई करके, फ्राई मैं कर लूंगा, आप चिकन भिजवा दो।
हाँ, आपके नोटबुक में जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, अगर आप मार्जिन को यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट एग्जाम में हमें ये मार्जिन यूज करना नहीं है बेटे, एग्जाम में हमें वो मार्जिन यूज करना नहीं है। संस्कार क्यों अलाउड नहीं है? चलो पहले आपको एक नॉन लॉजिकल आंसर देता हूं। नॉन लॉजिकल आंसर की बात अगर हम करें तो आई डोंट नो द आंसर, गो एंड आस्क ICICICAI ihaveaquery.com, रिप्लाई आया तो मुझे भी बताना। दूसरा, इफ यू वांट अ लॉजिकल आंसर, अंडरस्टैंड जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं जब आपके पेपर चेक करते हैं तो बेसिकली जब आप वो आंसर टिक करते हैं यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पर मार्क्स देते हैं। और दूसरा, ये पेज पे जो मान लो टोटल 4 मार्क्स मिले तो ऊपर टॉप मार्जिन पे उस पेज का टोटल लिखते हैं बेसिकली, है ना। इसीलिए वी अवॉइड यूजिंग दीज मार्जिन्स बिकॉज दिस इज फॉर देयर पर्पस, एग्जामिनर्स पर्पस, पेपर चेकर्स पर्पस। ठीक है, चलो डन। आगे बढ़ो क्या? हाँ, जर्नल लूंगा, इसी क्वेश्चन पे हम लेजर लेंगे, इसी के ऊपर हम ट्रायल बैलेंस लेंगे, उसके बाद खत्म नहीं हुआ बेसिक बेटे, अभी सब्सिडरी बुक्स पढ़ना बाकी है। मेरे ख्याल से 2 पेज काफी हो जाएगा बेटे फॉर्मेट के लिए, 2 पेज फॉर्मेट के लिए काफी हो जाएगा। अगर आप रेडी हो तो बोलो, हम स्टार्ट करते हैं, जर्नल आज खत्म कर देंगे। आप रेडी हो तो बोलो, जर्नल आज हम स्टार्ट करके खत्म कर देंगे ताकि कल हम, कल नहीं मंडे को हम लेजर देख सके, लेजर और ट्रायल बैलेंस। जर्नल आज हम खत्म कर देते हैं, फिर हम लेजर और ट्रायल बैलेंस देखेंगे, है ना। चलो नहीं अल्फा, जरा मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है आज, आज मैं टाइम पास करूंगा सिर्फ। ठीक है, आ जाओ। आई होप फॉर्मेट सबका रेडी है। मैं ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, ऐसा बिल्कुल प्यारा सा आपका फॉर्मेट दिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। क्लियर, आ जाओ। नाउ सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखेंगे। नंबर वन, सांबैया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, ऑफिस बिल्डिंग 30,000। दो चीजें लेकर आए हैं सांबैया, दो चीजें। क्या दो चीजें? कैश 50, बिल्डिंग 30। यहाँ पर डेट की कॉलम में लिखता हूं मैं नंबर वन। देखो क्या लेकर आया, वो कैश लेकर आया। तो सबसे पहले कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट बढ़ गया। बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, वो भी आया है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, या तो आप एसेट बढ़ गया बोलो या डेबिट व्हाट कम्स इन बोलो, रियल अकाउंट बोलो, है ना। जो मेथड फॉलो करना है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, सांबैया कैपिटल, ठीक है। कैश कितना दिया? 50, ऑफिस बिल्डिंग 30, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 50, ऑफिस बिल्डिंग 30, टोटल हुआ 80। क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही लिखना है आपको कंपलसरी। देखो यहाँ पे हमने जब कैश अकाउंट लिखा, डेबिट 1, 2, 3, 4 डॉट लिखेंगे और डेबिट यहाँ पे एंड में जाएगा कॉलम, LF के पास बिल्कुल। यहाँ पे फिर से वैसे ही बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 4 डॉट और डेबिट। फिर यहां पर जब हम लिखेंगे तो याद रखना है ध्यान से, बहुत बार बच्चे ये वाला गैप रखना भूल जाते हैं, ये रखना है यहां पर, वो गैप रखना है। तब कैसे ना, जब क्यों देखो ये जगह रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि
हाँ, तो यहां पर ध्यान से समझो, ये गैप रखना, ये स्पेस रखना जरूरी है, ठीक है। बेटे अपन ये जो चैप्टर है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये बेसिक्स वाला पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जब बेसिक स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में एक दो दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बाद में उन्होंने बोला बेसिक्स हमको आता है, छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे नहीं करना है, बहुत सारी चीजें जब हम आगे के बड़े बड़े चैप्टर्स करेंगे ना, तब ये बेसिक्स वाले चैप्टर्स लिंक करवा के दूंगा, तब उनको याद नहीं आएगा, तुमको याद आएगा, देख लेना, तब तुम भी मानोगे हाँ बेसिक्स बैठ गए थे, अच्छा हुआ सर। सांबैया लिखना जरूरी है क्या? ऐसे सांबैया लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप सोल प्रोपराइटर हो तो सिर्फ कैपिटल से काम चला सकते हो, पर मान लो अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म है, दो तीन अलग अलग पार्टनर्स चल रहे हैं, तो हो सकता है ना ऐसे कि भाई मिस्टर ए का कैपिटल अलग, बी का कैपिटल अलग, सी का कैपिटल अलग, डी का कैपिटल अलग, तो इसलिए ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, ऐसे अलग अलग बना लिए, ठीक है। आ जाओ इसका नरेशन, बींग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग, बींग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग, ठीक है। नंबर टू, क्लियर, ही डिपॉजिटेड 10,000 इन आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश, कितना डिपॉजिट किया भाई साहब, 10,000 था मेरे ख्याल से, टेन थाउजेंड। नरेशन, बींग कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, खत्म, बींग कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, डन, बोलो डन। नहीं नहीं लाइन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो काफी है, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इतना समय थोड़ी होता है एग्जाम में हमारे, 11 ट्वेल्थ में ठीक था। नंबर थ्री, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट 10,000, कार्तिक से परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कार्तिक 10,000, बींग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्तिक, यहीं पे लिखता हूँ अभी, आपको ऐसे नहीं लिखना है, उसी आपको पर्टिकुलर में लिखना, आगे नहीं जाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूं मैं एडजस्ट ऐसे। फोर्थ, फोर परचेज फॉर कैश 5,000, फाइव थाउजेंड, खत्म, यहां तक लिखा सबने, सब मेरे साथ है क्या, वो बोलो, इज एवरीबॉडी विथ मी, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश
फर्नीचर खरीदा हमने कैश में, अरे इसका नरेशन लिखा हमने बींग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बींग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट कितना था देख लो एक बार मैं, 10,000 का, बोलो डन, बोलो डन। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गणेश 20,000, कुछ नहीं कहा है तो मतलब क्रेडिट सेल होगा। गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, खत्म। 20,000 डन। हाँ हाँ अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में, यानी कि संदीप जी हिंदी मराठी गुजराती में नहीं लिखना, और नरेशन होता ही क्या है, नरेशन सिर्फ क्वेश्चन तो होता है, नरेशन आपका सिर्फ क्वेश्चन है विदाउट अमाउंट। सोल्ड गुड्स 10,000, सोल्ड गुड्स बोला है मतलब कैश सेल होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बींग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सैलरी पेड टू नंदीश 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, बिंग सैलरी पे टू नंदीश, डन। यहां तक डन एवरीबॉडी, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक काम करते हैं कैश नहीं लिखते बैंक लिखते हैं इस बार, ब्याज है ना, ब्याज का पैसा बैंक में आएगा, बींग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बुलेटिन
एवरीबॉडी डन, दो एंट्रीज और बची है। अमाउंट पेड टू कार्तिक 7,000 एंड रिसीव्ड चेक 15,000 फ्रॉम मिस्टर गणेश। कार्तिक अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 बराबर बीइंग कैश पेड टू कार्तिक एंड लास्ट गणेश से पैसे आए हैं बट चेक आया है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश 15,000 बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। बोलो यहां तक डन क्लियर, एनीवन एनी डाउट? क्लियर यहां तक सबको? जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट क्लियर, जर्नल एंट्रीज क्लियर, बिल्कुल बेसिक वाली जर्नल एंट्रीज लिए मैंने। आगे आगे जैसे जैसे नया टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम उसको ज्यादा और डिस्कस करते जाएंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, 10th और 11th एंट्री में फुल सेटलमेंट नहीं है अंटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। भाई 10,000 का तो माल खरीदे तो 3,000 का आप डिस्काउंट देंगे? इतना 30% कोई डिस्काउंट देता है क्या? 2-5% ठीक है, 10,000 में से अगर 9,550 देता तो बाकी का मैं डिस्काउंट कंसीडर कर भी लेता। इतना इतना डिस्काउंट थोड़ी ना देते हैं भाई। हाँ हाँ गरिमा, 10,000 से रिसीव होना था बट हमें 7,000 रिसीव हुआ। ऐसे जरूरी थोड़ी कि पूरा ही पैसा आना चाहिए, बाकी का पैसा उसने बाद में देगा वो शायद, है ना। और वो मैंने वहां पर एग्जाम्पल जो है ये वाला क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन कहीं पर आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है, इसके पीछे कारण है। जब हम लेजर करेंगे और ट्रायल बैलेंस करेंगे ना तब वो आपका कारण उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है बढ़िया। नाउ वी आर डन विद जर्नल, नाउ कमिंग टू लेजर। अंडरस्टैंड, पहले हम लेजर के कंसेप्ट समझते हैं फिर इस एग्जाम्पल पर जाएंगे लेजर के पोस्टिंग कैसे होती है वो देखने के लिए। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज अ लेजर? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप कंफ्यूज हो तो हो जाओगे यहां पर। क्यों सर? देखो यहां पर क्या बोला इन्होंने, इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल, और वो भी प्रिंसिपल, ऐसा कैसा प्रिंसिपल? ये देखो, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल है, ये रूल बेस्ड प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में दो फर्क है। वो वाला प्रिंसिपल यानी कि वो प्राइमरी था कि सबसे पहले वहां पर बुक हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस प्रिंसिपल का मतलब, दिस प्रिंसिपल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वाइटल बुक प्रिंसिपल। इट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री।
फाइनल एंट्री बोला है, फाइनल अकाउंट्स नहीं बोला है। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आता है, फाइनल अकाउंट्स ये फाइनल एंट्री है। हाँ नेम के साथ अकाउंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते वो इम्प्लाइड है ना बेटे, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, नॉमिनकल्चर है बस और कुछ नहीं। इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स लाइक एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर? तो देखो ध्यान से समझना हमको लेजर क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है आ जाओ। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टन विद द लीस्ट ट्रबल वॉट इज द अमाउंट ओव्ड टू द सप्लायर, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, सो ऑन। इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इज कंडेंस्ड इन फॉर्म ऑफ डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट टू गेट रेडी रिजल्ट्स। ठीक है। दूसरा, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस कैन बी ईजिली नोन विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट बेसिस ऑफ बैलेंस डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। लेजर कैन बी यूज एज अ कॉस्ट कंट्रोल टूल ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट शोन इन द लेजर। इट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट टू फोरकास्ट और प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। बराबर। अगेन 7 पॉइंट हमें कितने याद रखने, 6 पॉइंट्स। कितने याद रखने, 6 पॉइंट्स। सिंपल लिखना है ये भी। हाँ हाँ, इसीलिए तो लिखने बोला ना मैंने। उमर क्या करता है यार, फैम बॉय, कैसे कैसे नाम रखते हो यार, अजीब अजीब। यहां तक डन सबका? क्लियर? ओके। नाउ ये तो सब हुई थियोरेटिकल बातें, अब समझने वाली बात, 100 बात की एक बात। देखो लेजर का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा होता है, लेजर का फॉर्मेट, ये नेचर ऑफ नेम ऑफ द अकाउंट, और उसके दो पार्ट होते हैं अकाउंट के अगर हम देखेंगे ना तो, दो पार्ट है, ये डेबिट पार्ट है और ये क्रेडिट पार्ट है। लेजर डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट ऐसे चलता है, लेफ्ट में आपका हमेशा डेबिट साइड होता है, राइट में हमेशा आपका क्रेडिट साइड होता है। क्यों होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। बनाना नहीं है अभी आपको किसी ने, मैं जब बोलूंगा तभी लिखेंगे। एबीसी अकाउंट, ठीक है। हाँ ये नहीं लिखना है, रुको ना, ये अकाउंट नहीं बनाना है, रुको। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, यह आ गया डेट, यह आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यह आएगा जेएफ, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, ठीक है यहां तक। ये बन गया आपका फॉर्मेट, बराबर। एक याद रखना हमें, जब आप नोटबुक में आपका लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, जब आप आपके नोटबुक में लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे तब करना क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो अभी ये आपके नोटबुक का पेज है, ठीक है,
ये पेज को आपने ना यहाँ पे मार्जिन पे फोल्ड करना है, मार्जिन पे कहाँ पे, मतलब ये जो है इसको टच करेंगे मार्जिन को, ना कि यहां पर, ठीक। इसको टच करने के बाद जब आप पेज फोल्ड करते हो तो आपको सिर्फ एक ऐसे टच करना है यहाँ पर, यहाँ पे, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है बच्चों को ऐसा पेज फोल्ड करते हैं और फिर ऐसे 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 घिस देते हैं पूरी तरह से, मतलब जैसे मान लो इस्त्री कर रहे हो पेज की, इतनी बुरी तरह घिस देते हैं, ठीक है। क्लियर है तक? यहाँ पे पेज होने के बाद जब आप यहाँ पे फोल्ड करोगे तो ये ऊपर के पेज को जब आप फोल्ड करते हो तो ऊपर ऐसे टच करना है आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बुक है आपका, ठीक है, ये बुक है आपका, ये बुक में आप ये पेज पकड़ते हो, पेज पकड़ने के बाद इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ऊपर की तरफ सिर्फ ऐसे ऐसे टच करना है आपको, ऐसे टच, तो आपको क्या होगा ना एक डॉट दिखेगा यहाँ पे, डॉट, ठीक है, दैट विल फॉर्म योर बेसिक लाइन फॉर योर सेंटर, तो पेज का सेंटर मिल जाएगा आपको, पेज का सेंटर मिल जाएगा। पेज का जब आपको सेंटर मिलेगा तब आप उस सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, क्लियर नंबर वन। उसके बाद ये अमाउंट का कॉलम, जेएफ का कॉलम, डेट का कॉलम, यहां पर अमाउंट का कॉलम, जेएफ का कॉलम, डेट का कॉलम, और यहां एक लाइन खत्म, ऐसे। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? तो अभी आप ये फॉर्मेट बनाओ, पांच से छह, छह सात लाइन का, सिक्स टू सेवन लाइन्स मोर देन इनफ, इतना ही बनाना इसको, सिक्स टू सेवन लाइन्स, सिक्स टू सेवन लाइन्स का बनाओ। अलग टाइम पास करते रहे तुम लोग लेक्चर के टाइम पे। इतनी मस्ती करोगे तो यहां पे इंटर के लिए जब फिजिकली आओगे तो कैसे चलेगा हैं? बोलो फॉर्मेट रेडी क्या? अच्छा मैं हूं तो चल जाएगा, ठीक है। रेडी क्या? चलो नाउ ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखने का काम करो, सवाल मत पूछो, सब समझाऊंगा मैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको लिखेंगे, ओपनिंग
डेबिट बैलेंस, इसको लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर से जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे ये उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी आऊँगा, संयम रखो। फिर यहाँ पर लिखा मैंने बाय बैलेंस कैरिड, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसको मैं कहूँगा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, इसको मैं कहूँगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। जैसा लिखा है मैंने वैसे लिखो, सवाल मत करो, मैं बताऊँगा। Everybody done till here? By balance brought down to balance brought down, खत्म। इतना आप लिखो, ये देखकर लग रहा है हम अलग यूनिवर्स में आए हैं। हाँ, मल्टीवर्स में आए हो, मल्टी यूनिवर्स ऐसा कुछ तो आया था ना अभी बीच में, उसमें। क्लियर? यहां तक लिखा सबने? यस, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज योर लेजर। पहले लेजर की पोस्टिंग समझाऊंगा, इस पर बाद में आऊंगा मैं। मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेजर पोस्टिंग, ठीक है। नंबर वन, मान के चलो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। इसकी आपको पोस्टिंग करनी है तो बट ऑब्वियस यहां पे आपको दो अकाउंट्स दिख रहे हैं क्या? हां सर, ये आपका कैश अकाउंट, ये है आपका सेल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये कैश का डेबिट साइड, ये कैश का क्रेडिट साइड, ये सेल का डेबिट साइड, ये सेल का क्रेडिट साइड। जब मैं पोस्टिंग करूंगा इसकी तो मैंने क्या कहा है, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, इसीलिए कैश के डेबिट में मैं लिखूंगा। सेल अकाउंट को करना है क्रेडिट, इसीलिए मैं सेल के क्रेडिट में लिखूंगा। समझ में आया? तो कैश को डेबिट करना है तो कैश के डेबिट साइड में मैंने लिखा टू सेल 100, और सेल के क्रेडिट में लिखा बाय कैश 100। ये हुई आपकी लेजर पोस्टिंग नॉर्मल। जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया है उसके राइट साइड में लिखेंगे। मतलब इन शॉर्ट, जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो उसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एज सिंपल एज दैट, सिंपल यहां तक। अब देखो, बहुत बार बच्चा सोचता है कि सर कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, टू सेल लिखा है, तो यहां पर सर सेल, ये जो कैश है ये तो डेबिट हो रहा है, सेल तो क्रेडिट हो रहा है। बोला हाँ सही बात है बेटे, बट सर यहां पर देखो ना, सेल तो डेबिट हो रहा है सर, सेल को डेबिट में लिख रहे हैं आप।
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाइल लेजर पोस्टिंग, अगर हम लेजर की बात करें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अकाउंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट अकाउंट वी नीड टू सी वेदर इट इज गेटिंग डेबिटेड और क्रेडिटेड, नॉट दिस अकाउंट। यहां पर एंट्री चाहे जो आ जाए कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी अकाउंट आ जाए कुछ लेना देना नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है, समझ में। वैसे ही यहां पर जब हम सेल रिकॉर्ड करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, सेल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, नहीं सेल को क्रेडिट होना चाहिए, बस सेल के क्रेडिट में आ गया खत्म, ये हम देखेंगे सेल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस अकाउंट और दिस अकाउंट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस अकाउंट, द टाइटल ऑफ द लेजर, टाइटल ऑफ द लेजर। बोलो यहां तक क्लियर? हाँ सर, यहां तक क्लियर। बोलो क्लियर यहां तक? हाँ सर। अरे हाँ तो बोलो, एक कॉपी करो और फिर हाँ बोलो। क्लियर है तक? चलो वापस एक बार, ये लिखा सबने, दूसरा सेम, दूसरा एग्जांपल सर, परचेस कर रहे हैं, परचेस परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, इस बार लेता हूं 500। सर कौन से दो अकाउंट बनेंगे सर? परचेस अकाउंट मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है, परचेस का डेबिट, परचेस का क्रेडिट, मिस्टर ए का डेबिट, मिस्टर ए का क्रेडिट, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला, परचेस डेबिट, कौशिक यादव फिर से ध्यान दो यहां पर, परचेस को डेबिट करने बोला है, हाँ सर परचेस को 500 से डेबिट करने बोला है, मैंने परचेस को 500 से डेबिट किया, ए को 500 से क्रेडिट करने बोला है, ए को मैंने 500 से क्रेडिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। परचेस को डेबिट किया, ए को क्रेडिट किया, बस यहां पर परचेस को किससे डेबिट किया, परचेस को ए से डेबिट किया, इसीलिए टू ए, ए को किससे क्रेडिट किया, परचेस से क्रेडिट किया, इसीलिए बाय परचेस, खत्म, सिंपल सिंपल। ये वाला जो 500 है, ये वाला जो 500 है ये यहां पर है, ये वाला 500 जो है वो यहां पर है, क्लियर। जिस अकाउंट को डेबिट करना है, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है, आप भी ऐसे ही लिखना नोटबुक में, ऐसे रफ में, लेजर पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। देखो लास्ट, ए अकाउंट डेबिट 450, 500 टू कैश 450, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। इसकी पोस्टिंग में बच्चा गलती करता ही करता है, इसकी पोस्टिंग में बच्चा गलती 100% करता है, इसी की तो पोस्टिंग समझनी हमको। अच्छा ये क्या है, मिस्टर ए का अकाउंट,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने अकाउंट बने यहां पर सर, 3 अकाउंट, बराबर है। देखो ध्यान से, मिस्टर ए को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है कितने से, 500 से, तो मिस्टर ए को डेबिट हुआ 500, मिस्टर ए की डेबिट में जाएगा 500। कैश को मैंने क्रेडिट किया है कितने से, 450 से, तो यहां पे कैश के क्रेडिट में जाएगा 450, कितना जाएगा क्रेडिट 450। और डिस्काउंट को क्रेडिट कितने से किया है, 50, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में जाएगा 50। सिंपल, ए को डेबिट किया 500 से, तो ए के डेबिट में 500। कैश को क्रेडिट किया 450 से, तो कैश के क्रेडिट में 450। डिस्काउंट को क्रेडिट किया 50 से, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में 50। एज सिंपल एज दैट। बोलो यहां तक क्लियर सबको, बोलो यहां तक क्लियर सबको। अब यहां पर लिखते समय मैं क्या लिखूंगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, बराबर है। यहां पर देखो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, बट यहां पर टू कैश अगर लिखूंगा तो गलत हो जाता है, क्योंकि कैश के सामने तो 450 है। अच्छा तो डिस्काउंट लिखो तब भी गलत है, बराबर है। देखो बट मेरी एक बात ध्यान से समझो, आपको क्या चाहिए, मिस्टर ए को डेबिट होना चाहिए 500 से, बराबर है ना। हाँ सर, तो मैं 500 से डेबिट करता हूं ना, कैसे सर, टू कैश 450, टू डिस्काउंट 50, तो ये हो गया आपका टोटल 500। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक। और कैश में जब रिकॉर्ड करूंगा तो यहां पे लिखूंगा बाय मिस्टर ए, ये वाला 450 यहां पर रिकॉर्ड हुआ, यहां पे अगेन बाय मिस्टर ए, ये वाला 50 यहां पर रिकॉर्ड हुआ। समझ में आया कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग, समझ में आई कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग, बढ़िया। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो। दो तो थ्योरी का पार्ट आपको लिखना है, जर्नल का और लेजर का, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, ये दो चीजें आपको लिखनी है। ये पहला होमवर्क हो गया आपका। दूसरा, यहां पर आओ, आपको जो लेजर बनाने हैं, लेजर हमने जो बनाया है वैसे लेजर अकाउंट्स आपको बनाने हैं। कितने बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, मैं बता रहा हूं। देखो यहां पर आ जाओ, लेजर अकाउंट जो आपको बनाने हैं, कौन से बनाने, देखो हमारे जर्नल में आएंगे, सब लोग जर्नल में आएंगे अपने, सब लोग जर्नल में आ जाओ अपने, आ गए। देखो कैश अकाउंट नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, सांबैया नंबर 3, बैंक 4, कैश बन चुका है छोड़ दो, परचेज 5, कार्तिक 6, परचेस बन चुका है, कैश भी बन चुका है, फर्नीचर 7, कैश बना हुआ है, गणेश 8, सेल 9, कैश और सेल बन गया है, सैलरी 10, इंटरेस्ट 11, कार्तिक कैश, बैंक कैश, गणेश खत्म। बाकी सब कितने अकाउंट्स आपको बनाने हैं, 11, कितने अकाउंट्स बनाने हैं, 11, एक बार लिख लो। इतने अकाउंट्स आपके बनेंगे, इतने आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, सिंपल, क्लियर। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर है सबको। मंडे को जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम लेजर क्या है, लेजर का बैलेंसेस क्या होते हैं ये हम समझेंगे, फिर लेजर अकाउंट्स बना के उसकी पोस्टिंग करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाकर उसकी पोस्टिंग करेंगे,
और लेजर बैलेंसिंग क्या होता है और लेजर में बैलेंस क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस भी समझ लेंगे। तो ऐसे मान के चलते हैं कि मंडे को हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, मंडे को ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, ताकि ट्यूजडे वेनसडे दो दिन, मेरे हिसाब से दो दिन हमारे जाएंगे सब्सिडरी बुक्स में, दो दिन जाएंगे सब्सिडरी बुक्स में। जब दो दिन सब्सिडरी बुक्स में चले जाएंगे उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद आर टॉपिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन। क्लियर? जो आपको चाहिए ना सर, सीए फाउंडेशन वाले टॉपिक्स, सीए फाउंडेशन वाले टॉपिक्स। तो मान के चलो नेक्स्ट वीक में अपन मंडे ये खत्म, ट्यूजडे वेनसडे, मोस्ट प्रोबली थर्सडे और फ्राइडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सिलेबस, द कोर सिलेबस। क्लियर? फिर भी उसमें एक लेक्चर पेंडिंग रहेगा जो मैं किसी ना किसी एक हाथ संडे को लूंगा, एक हाथ संडे कोई ना कोई लेक्चर, ये संडे तो नहीं बट नेक्स्ट संडे ऐसे कुछ एक बार ट्राई करूंगा। वहाँ पर एक लेना हमें प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, वो वाला एक लेक्चर बहुत ज़रूरी लेक्चर है, वो लेना ज़रूरी है मेरे लिए। क्लियर? यस। जाते जाते भूलना नहीं है, लेक्चर पसंद आया है लेक्चर को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाना है, और लेक्चर होने के बाद ध्यान से आपको कमेंट करना है, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करते हो हमारे दिल को वो बातें छू जाती है। थैंक यू सो मच गाइज, एवरी वन, सी यू टुमारो एट, नो नो नॉट टुमारो, टुमारो इज संडे, सी यू ऑन मंडे एट द सेम टाइम मॉर्निंग 8 o'clock। टिल देन एवरी वन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। बाय बाय बोलो रे अच्छे से, आज पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बाय बाय बोलो पहले अच्छे से सब लोग। बाय बाय।